हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक पैलोजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आईआईएसआर तिरुपति से एक नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट रिसर्च फील्ड में, तो आप जो है पीएचडी के लिए आईआईएसआर तिरुपति में जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट iisctirupati.ac.in है। तो यहाँ पर आप लॉगिन करके आप जो इसका ओरिजिनल वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहाँ पे आप जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपको यहाँ पे लाइक ऑप्शन दिए जाएंगे अनाउंसमेंट में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, अनाउंसमेंट में एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, एडमिशन फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। तो देखिए, यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन हो रहे हैं, और आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी जो एप्लीकेशन है वो इन्वाइटेड है। तो आप अपने लाइक क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग जो है आप इसमें जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, चाहे अगर आप यूजी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट किया है तो आप जो है पीएचडी के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है डिटेल में कि एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगस्त 2021। तो ये जो नोटिफिकेशन, ये एप्लीकेशन टू एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, ये अगस्त 2021 के लिए है। तो यहाँ पे दो सेशन में होता है आपका, एक समर सेशन एक विंटर सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इन्होंने जो है समर सेशन के लिए यहाँ पे एडमिशन को निकाला है। तो अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका ओपनिंग डेट है 23 अप्रैल, और जो लास्ट डेट है 23 मई है। और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए, उसका जो अनाउंसमेंट रहेगा वो ऑफिशियल आईसर की वेबसाइट पर रहेगा, जून 1 टू 2 10, वो भी टेंटेटिव डेट है, ये बढ़ घट भी सकती है, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट वो रहेगा 11 जून टू 25 जून तक, ये भी टेंटेटिव है। और जो अनाउंसमेंट होगा इंटरव्यू डेट का वो 26 जून टू 5 जुलाई 2021, ये भी टेंटेटिव है। और जो ज्वाइनिंग होगी वो 2 अगस्त 2021, ये भी जो है वो टेंटेटिव है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि क्योंकि यहाँ पे स्कैसिटी है फंड की, यानी फंड उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे कोई भी फेलोशिप नहीं देगी जिस बार। इससे पहले वाले सेशन में लाइक विंटर सेशन में इन्होंने जो है अपना इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप देते थे हर बच्चे को जिसका भी यहाँ पे सिलेक्शन होता था। लेकिन इस टाइम इन्होंने क्या किया है कि ये ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ फंड दे आर नॉट दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड एनी फेलोशिप टू द स्टूडेंट सेलेक्टेड। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मैसेज कर दिया कि जिनके पास अपना खुद का फेलोशिप है वही यहाँ इसके लिए जो है वो अप्लाई करें, ताकि उनको जो है उनकी खुद की फंडिंग एजेंसी जो है वो उन्हें यहाँ पे फेलोशिप दे, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई फेलोशिप नहीं देगी, यू शुड हैव योर ओन फेलोशिप लाइक CSIR, UGC, DBT, ICMR, DST, INSPIRE, लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे देखिए लाइक केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ निकाला गया। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया दे रखा है, और जो सेंसर क्राइटेरिया वो भी दे रखा है। तो मिनिमम आपका पीजी डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए, और आपका CSIR, UGC, JRF, INSPIRE, PhD फेलोशिप या एनी अदर नेशनल फेलोशिप यू शुड हैव, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो आप जो है इस लिंक पे जाके जो है आप यहाँ पे फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं। सेम बायोलॉजी के लिए भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम दे रखी इन्होंने, चाहे वो आपका डेवलपमेंटल स्टेम सेल बायोलॉजी हो, कैंसर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जीनोम बायोलॉजी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितनी भी फील्ड है बायोलॉजी से रिलेटेड उसको वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। अगर आप पीएचडी बायोलॉजी में करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, और आपके पास DBT, JRF, ICMR, JRF, DBT, बिंग, UGC, CSIR, JRF, TST, INSPIRE या JRF या एनी अदर नेशनल फेलोशिप अगर आपके पास है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसका भी सेम है, अगर आप क्लिक करें इस बायोलॉजी पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है कि आपको कैसे भरना, वो सब यहाँ पे मेंशन किया है। तो नेम, ईमेल आईडी, टेलीफोन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा करके आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आपको ये फिल करने के बाद आपको जो है फर्दर स्टेप्स आते रहेंगे। तो वो आप जब भी इसके लिए अप्लाई करें तो आप इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी जो लिंक दे रखा है इसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सेम फिजिक्स के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मैथमेटिक्स एंड क्लाइमेट साइंस के लिए भी यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में अगर आप जो है सक्सेस होते हैं तो आपको यहाँ पे जो है एडमिशन आपका आईसर तिरुपति में हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन रहेगा वो आपका रहेगा भाई ईमेल, यानी ईमेल के थ्रू ही आपको जो भी अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपका शॉर्टलिस्ट होता है, तो आपको ईमेल के थ्रू ईमेल के थ्रू आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो है जो लिस्ट रहेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, चाहे वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो चाहे इंटरव्यू वाले जो इंटरव्यू क्लियर किया हो जिन्होंने, उन सबकी जो लिस्ट है वो आईसीएस तिरुपति की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रहेगी। तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करिए ताकि आपको कोई भी जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आए उस सब का आपको पता चलता रहे। तो
ठीक है। एज लिमिट यहाँ 28 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है रिसर्च में और पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई किया, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।